नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विषय हिंदी में आज हम इकाई नंबर 8 राजा का हिस्सा, इस इकाई में कहानी प्रकार की इकाई है, इनका हम आज अभ्यास करेंगे। यह कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए राजा तत्पर रहते हैं। इनकी बात, राजा की तत्परता की बात यहाँ पर बताई गई है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा प्रजा की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह बात इस इकाई में बताई है। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए, कि राजा प्रजा की हरेक कठिनाइयों के समय में प्रजा की मदद के लिए जो तत्पर रहता है वही राजा प्रजावत्सल कहलाता है। यह बात इस इकाई में बताई गई है। तो आओ बच्चों, हम इकाई को देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल होना यानी कि प्रजा प्रेमी होना। वे स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा भोज कैसे थे? प्रजावत्सल। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। वे स्वयं, स्वयं यानी कि खुद, वह खुद प्रजा की कठिनाइयों यानी कि तकलीफ खुद देखा करते थे और उन्हें यथासंभव, यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो वह अपना प्रजा के दुख दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी कि घूमना।
भ्रमण करना यानी कि घूमना। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर यानी कि रथ पर बैठकर वह राज्य का भ्रमण करने निकले। राज्य का भ्रमण करना यानी कि राज्य में घूमने निकले। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। क्या हुआ, राजा अपनी रानी को लेकर भ्रमण करने के लिए राज्य में निकले। इतने में उसने क्या देखा कि एक किसान हल जोत रहा था, खेत में किसान हल जोत रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी पत्नी यानी कि उनकी स्त्री हल खींच रही थी। क्या देखा राजा ने कि खेत में किसान ने एक बैल के जगह अपनी पत्नी को रखा था और एक जगह बैल था। एक हल में एक बैल था और हल के दूसरी जगह पर बैल के स्थान पर क्या था, उनकी पत्नी हल को खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, क्या कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। अत्याचार, अत्याचार यानी कि जुल्म। अत्याचार यानी कि जुल्म। क्या कहा, क्या किया कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, क्या जुल्म कर रहे हो, भला कई स्त्री को ही हल में जोता जाता है। स्त्री को हल की जगह पर दूसरे बैल की जगह पर स्त्री को क्या जोता जाता है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। किसान क्या कहता है कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरे बैल लेने के लिए मेरे पास धन नहीं है, इसी वजह से दूसरे बैल की जगह मैंने मेरी पत्नी को रखा है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः यानी कि फिर से दोबारा। ऐसा कहकर किसान फिर से अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता कि उससे बात करने वाला कौन है। किसान को पता नहीं था कि उनके साथ जो बात कर रहा है वह व्यक्ति इस राज्य का राजा है। उसे क्या पता था कि उनके साथ कौन बात कर रहा है। राजा को, किसान को पता नहीं था कि उनके साथ जो का बात कर रहा है वह व्यक्ति इस राज्य का राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, किसान ने क्या कहा, अरे भाई तुम्हें जो मुझे कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम मत रोको, मेरा काम क्यों रोकते हो। ऐसा किसान राजा को कहता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। लगन यानी कि प्रेम। अपने काम के प्रति रुचि देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए।
प्रभावित होना यानी कि असर पड़ना। क्या हुआ कि वह किसान जो है वह राजा को क्या कहता है कि तुम मुझे काम करने में रोको मत, मेरे साथ चलते चलते बातें करो, मैं काम करता हूँ और तुम्हारी बात भी सुनूंगा, तुम मेरे साथ चलते चलते मुझे आपको जो भी कहना है वह कहिए। बाद में राजा भोज चलते चलते बात करते हैं। यही बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए। वह बोले, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। थकावट, थकावट यानी कि थकान। तो तुम्हारी पत्नी को इस तरह कार्य में तू रखता है तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और उसकी थकावट की वजह से वह दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। थकावट यानी कि थकान। दूसरा कार्य कर भी नहीं सकेगी, किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। किसान क्या कहता है राजा को कि तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, क्या हुआ कि राजा ने उसकी पत्नी को, किसान की पत्नी को इस तरह देखा, इसलिए राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारी पत्नी थक जाएगी, थकान की वजह से वह दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। इसलिए किसान को यह बात बताता है तो किसान ने कहा कि अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब राजा कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना बैल तुम्हें दे देता हूं। पर मगर किसान क्या कहता है कि मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, ऐसा मुझे पसंद नहीं है, एक बात करो, आप ही मुझे ले आओ, आप ही मेरे लिए ले आओ, तुम ही बेल ला दो। किसान क्या कहता है राजा को, तुम ही बेल ला दो। राजा को और किसान को पता नहीं था कि यह मैं जिसको कहता हूँ कि तुम ही मुझे बेल ला दो, वाकई वह इस राज्य का राजा है, ऐसी बात उसे पता नहीं थी। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा, किसान ने क्या कहा कि इतनी देर मुझे काम रोकना पड़े, ऐसा मुझे पसंद नहीं आएगा, तुम ही बेल ला दो। तो उसके जवाब में राजा क्या कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास, तुम अब किसान को क्या कहता है राजा कि तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी के साथ में, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी और तब तक राजा क्या कहता है, मैं पत्नी की जगह, तुम्हारी पत्नी की जगह मैं हल जोतूंगा। राजा ने कहा, किसान इस बात पर राजी हो गया, राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा
तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा। क्या हुआ? रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा। कमजोर यानी कि अशक्त। तुम्हारा बेल तो कैसा है? अशक्त है। वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत में पहुंच गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान खुश हो गया। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। क्या कहता है राजा भोज? राजा भोज ने क्या कहा? अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। दिक्कत यानी कि परेशानी। अगर कोई परेशानी हो, तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आना। ऐसा कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा यानी कि उसे वह लज्जित हो गया। बहुत शर्मिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको तब तक पता नहीं था कि मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ वह कौन है, इस राज्य का राजा है। यही बात उसे पता नहीं थी, इसलिए वह शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा यानी कि लज्जित हो गया। उसे शर्म आई, लज्जा पहुंची कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे पता भी नहीं कि यह तो राजा भोज है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी कि माफी। उसने बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। इस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। क्या हुआ? उस बार किसान के खेत में अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। हिस्सा यानी कि भाग। क्या हुआ कि खेत में जितने भाग में राजा ने हल को जोता था उस जगह पर क्या उगे? मोती। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किस्म यानी कि प्रकार। जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। उम्दा यानी कि उत्तम। उम्दा यानी कि उत्तम
उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुँचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया, सारी बात उसने कह सुनाई। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, कौन कहता है? किसान कहता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। राजकोष यानी कि राजा का खजाना। राजकोष यानी कि राजा का खजाना। क्या कहता है किसान? कि मेरी आपसे प्रार्थना विनती है कि आप ऐसा कीजिए कि इन सब गेहूँ को आप अपने राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लेना। किसान प्रार्थना करता हुआ कहता है, किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, यहाँ पर इस इकाई में हमने देखा कि राजा भोज जो था, वह जब तक उसने किसान को अपने आप नहीं पता चलता है कि वह स्वयं राजा है, तब तक उन्होंने भी बताया नहीं कि मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूँ। ऐसे आदर्श राजा, ऐसे प्रजावत्सल राजा जो हैं, वह राजा भोज जो हैं, ऐसे ही राजा होते हैं जो प्रजावत्सल होते हैं, और वही राजा प्रजा की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।